बुरहानपुर जिले में भी साल के पहले दिन से ही जिले भर की बसों के पहिए 3 दिनों के लिए थम चुके हैं। सभी ड्राइवर हड़ताल पर है, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। देश सहित बुरहानपुर जिले में भी आज सुबह से ही बसों के पहिए थमे रहे। लोगों ने अपनी यात्राओं को स्थगित कर दी है। जिले के पुष्पक बस स्टैंड पर चालक परिचालक संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे जिले भर की बसों के पहिए थम चुके हैं। 3 दिन शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल जारी रहेगी। मांगे नहीं मानने की दशा में आगे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। वहीं चालक परिचालक संघ के जिला अध्यक्ष मिलिंद चौधरी ने कहा कि देश भर में चालकों के खिलाफ जो काला कानून लाया गया है, हम इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। गृह मंत्री जी द्वारा जो काला कानून हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है चालकों पर, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, हम इसके विरोध में हड़ताल पर है। हमारे जो सरकार से मांग 13 सूत्री मांगे चल रही है 2014 से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें भोपाल बुलाया था, चालक पंचायत रखी थी, चालक परिचालक पंचायत बुलाई थी हमें 2014 से, आज तक तो एक भी लाभ नहीं मिला है। और दूसरी बात कि हमारी जो 13 सूत्री मांगे हैं उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं की जा रही है, और बल्कि ऊपर से नए नए नियम लाते जा रहे हैं। तो अब तो हम ये सोचने मजबूर हो गए कि अब हम वाहन चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि वाहन चलाते अगर कभी आकस्मिक एक हादसा अगर हो जाता है, हादसा तो कहकर कहीं के नहीं होता, हादसा हादसा है, अब उस दौरान अगर कभी हादसा हो जाता है तो हम लोग क्या जेल में जाके बैठे 10 वर्ष। इसके विरोध में हम लोग सभी हमारे सांकेतिक हड़ताल के रूप में हम हड़ताल पर है, और जब तक के कानून बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।